ये जो जगह है ना, ये है एम्बियंस मॉल, और ये जो एक्सप्रेसवे है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ, ये है दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे। स्पीड लिमिट इस एक्सप्रेसवे की 80 किलोमीटर है, और ये दिल्ली के धौलाकुआं से स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है खिड़की धौला टोल के पास, जो कि आप कह सकते हैं मानेसर का जो टोल हम बोल सकते हो, मानेसर का जो टोल पड़ता है, ठीक है। कहते हैं ना, यहाँ पे लोकल लोग ऐसे ही बोलते हैं कि यार वो मानेसर से पहले एक टोल नहीं आता, बस वही है, तो उस टोल के बाद मानेसर आता है, और इसलिए हम कहते हैं कि चलो मानेसर का जो टोल है। वैसे जो पर्टिकुलर वो जगह है उसको खिड़की धौला टोल बोलते हैं, ठीक है। धौलाकुआं से स्टार्ट होता है, जैसा कि मैंने बोला, कमर्शियल व्हीकल के लिए इस पे 60 का है, और बसेस इन सबों के लिए भी 60 का है, कार के लिए 80 का है। बाइक वैसे ही एक्सप्रेसवे है तो इस पे अलाउ नहीं है, इस पे आपको बाइक की स्पीड लिमिट इस पे दिखेगी नहीं, लेकिन बाइक दिख जाएगा, ठीक है। और ये जो जगह है, लेफ्ट यहाँ से लोगे आप तो आप जा सकते हो टर्मिनल 1, जो कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, वहाँ पे जा सकते हो। ये जो ऊपर जो फ्लाईओवर आप देख रहे हो, एलिवेटेड रोड देख रहे हो, ये जब आप दिल्ली की तरफ से आओगे धौलाकुआं की तरफ से, तो आपको T1 पे कनेक्ट करता है, उसके लिए ये फ्लाईओवर दिया गया है। ये 8 लेन का पूरा एक्सप्रेसवे है, 4 लेन ईच साइड है, और ये दिल्ली और गुड़गांव को कनेक्ट करने के लिए फ़िलहाल सबसे बेस्ट जो रोड है वो यही है। और बताऊँ तो आज का जो वेदर है ना, वो वेदर भी बहुत ही खूबसूरत हो रहा है, और वैसे पता ही है कि बारिश का कह रहे हैं, तो शायद होपफुली हो भी जाए। इस वक्त ऑफिस का टाइम है, ठीक है। वैसे मैं बताऊं तो अगर आप गुड़गांव से दिल्ली की तरफ जाते हो ऑफिस के वक्त, तो आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, ऐसे ही जैसे ये चल रही है आपकी गाड़ी नॉर्मल चलती रहेगी। लेकिन अगर आप दिल्ली से गुड़गांव की तरफ आओगे, क्योंकि आपको पता है या नहीं भी है तो चलो मैं बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा कंपनियाँ गुड़गांव में हैं, तो जो लोग दिल्ली भी रहते हैं वो ट्रैवल करके गुड़गांव आते हैं। इसलिए जो ये राइट साइड का जो ट्रैफिक है, आप अगर आप देखोगे तो उस पर बहुत ज़्यादा आपको गाड़ियाँ दिखेंगी, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो पूरा ऐसे पैक्ड होता है, पैक्ड इन द सेंस कि स्लो डाउन होता है, जाम लगा होता है पूरा, ट्रैफिक जाम, ठीक है। तो और इस तरफ जब आप गुड़गांव से दिल्ली जाओगे तो बहुत ही कम नंबर से गुड़गांव से दिल्ली जॉब करने का, क्योंकि सारी कंपनियां गुड़गांव में हैं, तो जो लोग गुड़गांव में रहते हैं वो गुड़गांव में ही जॉब करते हैं। मोस्टली लोग जो दिल्ली ट्रैवल करते हैं, या तो वो लोग होते हैं जिनका ऑफिस वैसा हो, या फिर उनको पूरा दिल्ली NCR अगर देखना हो, या फिर मोस्टली जो गवर्नमेंट वाले लोग होते हैं, ठीक है। इसलिए इस पर आपको इतना ज़्यादा ट्रैफिक इस साइड मिलता नहीं है ऑफिस जाने के लिए, तो इसका फ़ायदा मुझे भी होता है। मुझे भी जब अपने दिल्ली ऑफिस जाना होता है ना, तो वैसे मेरे घर से वो तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है, लेकिन मैं आराम से 1.5 घंटे में वो तय कर लेता हूँ, जो मेरा ट्रैवल टाइम है वो 1.5 आवर लगता है मुझे, और बड़े ईजिली मैं अपने ऑफिस पहुँच जाता हूँ बिना किसी भसर के, ठीक है। लेकिन वही अगर ये दिल्ली से गुड़गांव आना हो, अगर 30 किलोमीटर ही सफ़र तय करना हो ना, तो उसमें भी आपको इतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि उस पर अनएक्सपेक्टेडली कभी भी ट्रैफिक जाम लग सकता है, ठीक है। तो ये है खूबसूरत एक्सप्रेसवे, इस पर अगर नहीं आए हो तो आ सकते हो। सैटरडे संडे आओगे तो भाई आराम से बाइकर्स दिख जाएंगे आपको, ठीक है, और कार्स भी दिख जाएंगे, स्पोर्ट्स कार्स में। और ये देखो कितना अच्छा वेदर हो रहा है दिल्ली का, देखो देखा। और ये लेफ्ट हैंड साइड में इधर ये है एयरपोर्ट, एयरपोर्ट इन द सेंस ये रनवे है उनका पूरा, मतलब ये वॉल GMR का ही है, जो ये वॉल देख रहे हो ना ये पूरा, और बहुत बड़ा है ये। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कैपिटल है, तो बारह तो हो गई है ना। तो चलो अब यहाँ पे देख लो, फ्लाइट भी देख लो, वो जा रही ना फ्लाइट्स, यहाँ पे हर थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे आपको फ़्लाइट दिख जाएगा, क्योंकि एयरपोर्ट पास में है जैसा कि बोला, तो इसलिए, ठीक है। वैसे मेरा मकसद बिल्कुल भी आपको डराना नहीं है, आपको बस बताना है कि अफवाहों से तो दूर ही रहिए, अफवाहों से बचिए, क्योंकि अफवाहें इतनी ज़्यादा है ना मार्केट में, कि हर कोई अपनी अपनी बताने की कोशिश कर रहा है कि मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि हर किसी को सब कुछ पता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ ना, हमारे पास सबसे पावरफुल टूल्स है आज की डेट में, और वो है हमारा फ़ोन, हमारे पास हमेशा रहता है, और उसके साथ जो इंटरनेट होता है,
उसके जरिए हम ये देख सकते हैं कि वाकई ये जो बंदा इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है ये किस हद तक सही है, ये जो इंफॉर्मेशन इसने मुझे शेयर किया है या मेरे पास जो आई है ये कितना सही है, है ना। और उसका चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमारे पास इंटरनेट है, फ़ोन है, जाइए और चेक कीजिए। और वैसे मैं बताऊँ तो जो स्टेप हमारी गवर्नमेंट ले रही है ना इस चीज़ को फैलने से रोकने के लिए, वो एक्चुअली में बहुत ही काबिले तारीफ़ है, ट्रस्ट मी, क्योंकि वो हर एक बंदे को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिससे भी अगर कोई बंदा है, इफ़ेक्टिव है और वो कोरोना वायरस का उसका अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो वो जिन जिन लोगों से मिला है या जिन जिन लोगों के पास गया है वो उन सबों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसके बाद उन सबों का चेकअप कर रहे हैं फॉर द सेफ्टी पर्पस। वो उनको 14 दिन के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन भी रख रहे हैं कि ऐसा ना हो कि उसे जो सिम्टम्स है, क्योंकि इसके 14 दिन बाद ही कन्फर्म होते हैं, तो इसीलिए तो गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन हमें जो अपना काम करना है वो ये करना है कि हमें अलर्ट रहना है, सेफ़ रहना है और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अवॉइड कीजिए पब्लिक प्लेसेस पे जाना, और उन जगहों पे तो बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए जहाँ पर ये फैला हुआ है। जैसे कि मैं अलग जो अदर कंट्री है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जैसे कि चाइना, तो आपको पता ही कि वो बेस है, चाइना से ही ये स्टार्ट हुआ है और धीरे धीरे करके तकरीबन दुनिया के 70 देशों में ये फैल चुका है। तो इंटरनेशनल ट्रेवल कम कीजिए, अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं करने से भी मेरा काम हो जाएगा तो आप बिल्कुल वही ऑप्शन ऑप्ट कीजिए और अवॉइड कीजिए ट्रैवल करना, इंटरनेशनल ट्रैवल तो बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए, क्योंकि यही एक बेस्ट तरीका है इस चीज़ से बचने का और इससे अपने आप को सेफ रखने का, क्योंकि जितना हम अलर्ट रहेंगे ना उतना ही ज़्यादा हम एक दूसरे को और ख़ुद को भी सेफ रख सकते हैं, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को। और सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊँ, जो सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ, नमस्ते कीजिए, क्योंकि WHO या फिर जो भी मेडिकल की जो टीम है उनकी अगर मानो तो हाथों से ये ज़्यादा फैलता है। तो मेरा तो यही मानना है कि आप अवॉइड कीजिए हैंडशेक करना और नमस्ते कीजिए, क्योंकि सबसे अच्छा जो ऑप्शन है ना वो नमस्ते का ही होता है। और हमारे कंट्री में तो वैसे भी जब मिलते थे पहले तो नमस्ते ही किया करते थे, लेकिन आपको सेफ रखने का और अपने हाथ को तो वॉश कीजिए ही कीजिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। और वैसे भी आज सुबह ही मैं देख रहा था कि आप अगर किसी को कॉल करते हो तो गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट जितने नंबर पे अभी तक मैंने कॉल किया उन सबों पे एक मैसेज तो आ ही रहा है कि किस तरह से आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं और क्या क्या आपको करना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए। तो ये भी एक अच्छा कदम है गवर्नमेंट का, इस दायरे में लाया है और जितने भी नंबर्स हैं उन पर ये मैसेज लगाया है, जो कि बहुत सही है। और बहुत सारी कंपनियों ने तो वैसे वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दे दिया है और ये काबिले तारीफ़ है, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि वो ये जो वायरस है इस तरह से स्प्रेड हो। और आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि हम इसे बढ़ने से रोक सकते हैं, और इसका सबसे अच्छा तरीका भी यही है कि हम थोड़ा सा अवॉइड करें पब्लिक प्लेसेस को। अगर DMRC की भी देखें तो DMRC ने भी जो मेट्रो की क्लीनिंग है उसको बढ़ा दिया है, उसकी साफ़ सफाई करना थोड़ा तेज़ कर दिया है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन रख सके मेट्रो को। सबसे जो बेस्ट तरीका है, सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊं तो वो एक ही चीज़ है और वो है नमस्ते करना स्टार्ट कर दीजिए। और आपको पता है नमस्ते कैसे करते हैं, हाथ जोड़कर। वैसे इसके फ़ायदे भी बहुत हैं, क्योंकि अगर आप नमस्ते करते हैं ना तो आपके अंदर कभी भी अहंकार नहीं आता है। नमस्ते का मतलब ये होता है आप जब हाथ फोल्ड करते हैं तो आप अगले वाले को, आप सामने वाले को ज़्यादा सम्मान दे रहे हैं। और इसके बहुत सारे रीजंस भी हैं हमारे अगर शास्त्रों में अगर आप देखोगे ना तो, आप सामने वाले को ही अपने बराबर का समझते हो, ना उसे छोटा समझते हो ना बड़ा समझते हो। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है और इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी या हमारे हर जगह आप देखोगे तो नमस्ते का प्रचलन है और हम पहले करते भी थे, इनफैक्ट आज भी ज़्यादा तो लोग ये फॉलो करते हैं। सिर्फ मेट्रो सिटी को अगर छोड़ दो तो हमने ये हैंडशेक स्टार्ट कर दिया है, लेकिन सबसे बेस्ट मैं तरीका अगर बताऊँ तो नमस्ते है। और आप इसी तरह से सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, अपना भी ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का भी रखिए, अपने हर उन चाहने वालों का रखिए। और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है क्योंकि
आप मेरे अपने हैं और मैं चाहता हूँ कि आप सेफ रहे और सही से रहे। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। वैसे ना नाइट का भी सीन देख लो कि कैसा दिखता है ये जो दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे है, ये रात के वक्त। ये जो जगह देख रहे हो ना, ये है महिपालपुर, और यहाँ पर एक लेन में ये पूरे आपको दिख जाएंगे सारे के सारे होटल्स हैं, और रात के वक्त ना बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखो एक होटल देखा है ना, खूबसूरत।